नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर है राजधानी जयपुर से। जयकारों के साथ रवाना हुई कल्याण धणी की पदयात्रा। डिग्गी कल्याण जी के लिए 54वीं स्वर्ण वर्ष लक्खी पदयात्रा सोमवार सुबह ध्वज निशान के साथ शहर की चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वरनाथ मंदिर से रवाना हुई। यह पदयात्रा डिग्गी कल्याण जी के लिए 54वीं स्वर्ण वर्ष लक्खी पदयात्रा सोमवार सुबह ध्वज निशान के साथ शहर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वरनाथ मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रा में एक सैकड़ों पदयात्री कल्याण धणी के दर्शन के लिए रवाना हुए। पदयात्रा को जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने केसरिया ध्वज दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा, आंख में आस्था, विश्वास और जुबान पर कल्याणी धणी के जयकारे। कुछ ऐसा ही माहौल नजर आया राजधानी के चौड़ा रास्ता में, जहां अल सुबह डिग्गी कल्याण जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल निकल पड़े। कुछ पदयात्रियों ने ताड़केश्वरनाथ मंदिर से कनक दंडवत लगाकर पदयात्रा शुरू की। यात्रियों को नाश्ता करा, पुण्य कमाने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। विभिन्न स्थानों के सदस्य नाश्ता फल लेकर पदयात्रियों की मनुहार करते नजर आए। इसके लिए चौड़ा रास्ता, त्रिमूर्ति चौराहा, मोती डूंगरी, टॉक रोड, अजमेरी गेट से ही सड़कों पर स्टॉलें सज गईं।